हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। सौरभ सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। इन आवर टुडेज वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स पेपर के पास्ट ईयर्स कुछ क्वेश्चंस का, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। सौरभ सर क्लास में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, जो लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को फुल सॉल्यूशन देंगे। इवन इफ द क्वेश्चन टाइप इज एमसीक्यू, बट वी विल गिव यू फुल सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये थ्योरीज बताई जाएंगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके, थ्योरी पार्ट को भी पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही सहायता मिल सकता है यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज अजर्शन ए, यानी कि अजर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अजर्शन ए एंड अदर रीजन, यू हैव टू एग्जामिन दिस केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके, तो अजर्शन क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रमोट इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, यानी कि सेल्स टैक्स वगैरह, ये सब जो है वो इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। रीज़न, द पुअर बियर मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि देखिए जो गरीब है महीने के 100 रुपये कमा रहा है, वो भी अगर एक चाय का पत्ती खरीदता है उसे भी समझिए 10 रुपये टैक्स देने पड़ रहे हैं, और एक अमीर इंसान जो महीने के 1 लाख रुपये कमा रहा है, वो भी अगर वही चाय का पत्ता खरीदेगा तो उसको भी 80 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये इनइक्वालिटी हो गई इनकम में। तो पुअर बेयर मोर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कोड क्या है, कोड में ए इज़ ट्रू, यानी कि अजर्शन ए ट्रू है, बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि रीज़न आर फॉल्स है। दूसरा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि दोनों ए और आर दोनों ही ट्रू है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू एंड बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो इसमें से सही उत्तर तो आपको स्पष्ट रूप में नज़र आ रहा है कि ये दोनों ही सही है ना, यानी कि ये ऑप्शन सही है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ कूच करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो कि सपोज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू इंडिविजुअल्स, यहाँ पे टू होगा टी डब्ल्यू और टू, टू इंडिविजुअल्स आर एंगेज्ड इन एक्सचेंज, यानी कि दो बंदे हैं ए बी समझ लीजिए, दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। इफ़ इंडिविजुअल वन, वन टू करके दिया गया, इफ़ इंडिविजुअल वन इज़ अ प्राइस मेकर एंड इंडिविजुअल टू इज़ अ प्राइस टेकर, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस ऑन द ऑफर कर्व ऑफ इंडिविजुअल वन, ऑफर कर्व ऑफ इंडिविजुअल टू, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ टू ऑफर कर्व, या इट्स इनडिटर्मिनेंट, कौन सही ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए कि अगर एक्सचेंज है और प्राइस मेकर है प्राइस टेकर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों के इंटरसेक्शन पे ही हो, क्योंकि ये इसके उद्देश्य से भी चेंज हो सकता है, इसके उद्देश्य से भी चेंज हो सकता है। और इंडिविजुअल अगर इंटरसेक्शन पे नहीं कर रहे हैं तो ऑफर कर्व पे भी नहीं ही डिनोट करेगा। तो इसका हम ऑप्शन कहेंगे कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें कुछ कह नहीं सकते, स्पष्ट नहीं है, तो इट इज़ इनडिटर्मिनेंट। ओके, सो हमारा डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव बीन गिवन बाय, कि सिंगल फैक्टोरल और डबल फैक्टोरल जो है ये किसने दिया था इस टर्म्स को, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है कि अगर हम लोग कॉमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर हम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें एक्सटर्न एक्सपोर्ट सेक्टर में, तो उसे कहते हैं हम ये सिंगल फैक्टोरल डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। और ये देने वाले थे जेकोब विनर, ऑप्शन बी सही हो। ये एक जनरल नॉलेज का प्रश्न हो गया आपके लिए, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, जेकोब विनर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, द किंक्ड डिमांड कर्व इज रिफ्लेक्टेड इन अ डिसकंटिन्यूटी इन द टोटल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, या एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी कि वह कह रहा है कि किंक्ड डिमांड कर्व जो होता है, यानी कि जो कहीं किंक्ड है, कहीं ना कहीं जो
किंग हो रहा हो, किंग डिमांड कर्व इज रिफ्लेक्टेड इन अ डिसकॉन्टिन्यूटी इन द टोटल रेवेन्यू कर्व में वो दिखता है या मार्जिनल कर्व में दिखता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व में या एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व में दिखता है ड्यू टू डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एयर कर्व, ठीक है। तो ये जो है कि किंक्ड कर्व, किंक्ड डिमांड कर्व इज रिफ्लेक्शन इन डिसकॉन्टिन्यूटी इन द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व यानी कि MC ड्यू टू डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एयर कर्व ऑफ एयर कर्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। तो हमने UGC नेट इकोनॉमिक्स पेपर के पास्ट ईयर के 3-4 प्रश्नों को आज सॉल्व किया और आई होप कि आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, समझ में आप समझ गए होंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे डील करना है उनसे। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें किसी भी क्षण किसी भी मोमेंट में इस नंबर पे 9836793076 इस नंबर पे कॉल करें या आप हमारे वेबसाइट www.sourabsirclasses.com पे विज़िट करके हमारे क्लास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।